हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम बैक टू यट अनदर एपिसोड ऑफ आर योगा सीरीज। मेरा नाम है संस्कृति अरोरा और मैं हूं आपकी हेक्सा योगा एक्सपर्ट। और आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में। ये हम में से बहुत लोगों में कॉमन है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि हेडेक, हमारे चीक्स के अराउंड दर्द होना, हमारे टीथ एरिया के अराउंड दर्द होना और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम। तो आज हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है और ऐसी कौन कौन सी योगा प्रैक्टिसेस हैं जिसको करके आप इससे निजात पा सकते हैं। तो बेसिकली साइनस जो होता है वो हमारा एक कैविटी एरिया होता है और जब वो हेल्दी होता है तब उसमें एयर फिल होती है, बट अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है या कोई भी अननेसेसरी पॉल्यूटेंट आ जाता है तो उसमें जो है म्यूकस और ज़्यादा फिल हो जाता है, जिससे वो म्यूकस हमें इरिटेट करता है अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में, और जिससे हमें बहुत सारे एरियाज़ में जैसे कि चीक्स, जैसे कि अराउंड योर टीथ, इन सब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये यूजुअली इन्फेक्शंस के कारण होता है, पोल्यूशन के कारण होता है, या फिर अगर आप स्मोक करते हैं दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द रीज़न। तो चलिए चलते हैं योगा प्रैक्टिसेस की तरफ। सबसे पहला आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप अपने पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को अपने छाती के पास रखना है, कोहनियों को मिलाकर रखना है, सांस भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ देखना है और इसी पोजीशन को कुछ देर के लिए होल्ड करना है। इससे आपको सांस लेने में और बेटर लगेगा, आपका ब्रीदिंग पैटर्न और बेटर हो जाएगा और धीरे से वापस। ये सारे जो आसन हैं ये हमारे इम्यूनिटी बिल्डअप करने में भी हेल्प करते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो हमें इन्फ्लेमेशन होती है साइनसेस में उनसे हमें बहुत बेटर फील हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे आसन की तरफ। अब हमारा अगला आसन है पर्वतासन। पर्वतासन में आने के लिए आप अपने एक पैर को आगे रखें और दूसरे पैर को पीछे, इस तरीके से आगे वाला पैर 90 डिग्री पर रहेगा। दोनों पाम्स को अच्छे से स्प्रेड करके रखना है। अब अपने आगे वाले पैर को पीछे वाले पैर के पास लेके जाना है, बिल्कुल इस तरीके से पर्वत का आकार देते हुए, और इस आसन को होल्ड करना है। ध्यान रखिए आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, आपकी हील्स जो है वो ज़मीन से टच रहे, आपके टोज थोड़े से उठे हुए रहें, अपनी इंडेक्स फिंगर को अच्छे से प्रेस करना है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी जितना भी एक्स्ट्रा म्यूकस है उसको रिलीज़ करने के लिए टुवर्ड्स द अर्थ, एंड धीरे से वापस आ जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है उष्ट्रासन, जिसको हम कैमल पोज भी बोलते हैं। उष्ट्रासन में आने के लिए अपने दोनों पैरों पे आ जाइए नीलिंग पोजीशन में, दोनों घुटने और टोस के बीच में शोल्डर लेवल का गैप देना है। सांस छोड़ते हुए अपनी राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़िए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़िए और पीछे देखना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट अच्छे से करने का ट्राई करना है। इसमें आपकी पूरी चेस्ट एक्सपेंडेड होती है जो आपको हेल्प करता है और ब्रीद इन ब्रीद आउट बेटर करने में। अगर आपको इस पोज को करने में कोई परेशानी है तो आप कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, और धीरे से वापस आ सकते हैं। अगर आपको आसन के दौरान कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप आसन मत करिए, आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही करिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की तरफ। लेकिन अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो हमारा अगला आसन है पादहस्तासन, जिसको फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर भी कहा जाता है। इसके लिए आप किसी भी नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाइए, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, जिससे आपकी जितना भी एक्स्ट्रा म्यूकस एक्यूमुलेटेड है आपके नॉस्ट्रल्स के अराउंड वो सारा धीरे धीरे रिलीज हो जाए। और इसको थोड़ी देर होल्ड करना है, ध्यान रखें आप ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मली करें और धीरे से वापस आ जाना है। इस प्रैक्टिस को आप होल्ड कर सकते हैं आपको जितनी देर कंफर्टेबल हो, और ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है आपको सारा एक्स्ट्रा म्यूकस रिलीज करने के लिए। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ, जिसका नाम है
भस्त्रिका जो कि एक प्राणायामा है और आज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायामा का वेरिएशन। एक बार अपने हाथों का नासाग्र मुद्रा बनाना है, अपने अंगूठे के बगल वाली दो उंगलियों को बेंड करना है बिल्कुल इस तरीके से और अपनी दोनों उंगलियों से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रिल से कॉन्स्टेंटली एक्सहेल करना है बिल्कुल इस तरीके से। रिलैक्स इसी प्रकार दूसरी नॉस्ट्रल से इस प्रैक्टिस को आप जितनी देर कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है, जितना भी एक्स्ट्रा म्यूकस है उसको रिलीज करने के लिए, बट एटलीस्ट आप 10 से 15 सेकंड जरूर करिए। सो ये थी कुछ सिंपल योगा प्रैक्टिसेस। आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस समझ में आई होंगी और आप लोग ज़रूर करेंगे। योगा प्रैक्टिस के साथ साथ मेक श्योर आप अपने फूड और आप किस एनवायरनमेंट में हैं उसका भी ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आप अपने साइनोसाइटिस जैसी प्रॉब्लम से जल्दी रिलीज पा सकें। मेक श्योर आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स ना कंज्यूम करें जिनका नेचर बहुत ज़्यादा कूलिंग होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड वाटर, आप इन सबको जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। मेक श्योर आप ज़्यादा टाइम एसी में ना बैठें और ऐसी जगह जहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा है वहाँ ना बैठें जिससे आपकी नोज़ जो है ब्लॉक होगी और अल्टीमेटली आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी और अगर आपकी ब्रेथ ख़राब है तो मतलब कि आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो ऑलवेज़ मेक श्योर आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठें जहाँ आप ब्रीदिंग अच्छे से कर पा रहे हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपके रिलेटिव्स को तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स होंगी और योगा के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्यूशंस होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।